तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेसीबी में कितने प्रकार का ऑयल पड़ता है और कितना लीटर पड़ता है, कैसे निकलता है और उसका फिल्टर विल्टर क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो बस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिए। बस बढ़ते हैं आगे बिना वक्तचोदी के, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए आपके सामने ये है जेसीबी, 2018 का मॉडल है। सबसे पहले इसकी इंजन ऑयल की बात करते हैं, जो कि 15W40 पड़ती है। इसमें 13 लीटर आता है, यहाँ से डलती है। यहाँ देखिए निशान भी दे रखा है, यहाँ से डल जाएगी और निकलती है नीचे चेंबर से। देखिए ये आपका यहाँ से निकल जाएगी ऑयल, ये बुझ निकाल देंगे तो इसमें 13 लीटर ऑयल पड़ती है। और ये रहा इसका इंजन ऑयल फिल्टर, नंबर भी लिखा है, नंबर दिखा देता हूँ कौन सा नंबर है। देखिए दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रांसमिशन ऑयल, जो कि ट्रांसमिशन ऑयल ये इसका गेज है। गेज इसमें भी आपका 12 लीटर 13 लीटर पड़ जाएगा, क्योंकि डलती भी यहीं से है और निकलेगी नीचे से। नीचे से अभी जाने के लिए नहीं है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद आते हैं आपका ब्रेक ऑयल, तो ब्रेक ऑयल में आपको दिखा देता हूँ कितना डलता है। इसके लिए जाली खोलना पड़ेगा, तो फटाफट से जाली खोल लेते हैं। ये उठा दिया बोनट, देखिए ये आपका है लमसम 200 ग्राम आएगा इसमें, जो कि ब्रेक ऑयल है। इसको .3 भी बोलते हैं, .3 दुकान पे बोलेंगे तो .3 दे देगा आपको। और चौथे नंबर पे आपको दिखा देता हूँ हाइड्रोलिक, जो कि हाइड्रोलिक का ये टैंक है आपका, ये टैंक है। इसमें है आपका फिल्टर, ये है लॉक। इसमें आपको 80 से 90 लीटर डालेंगे तो एक गेज में आ जाएगा, इसमें आपको दिखाई देगा। इसमें इसी से पूरी फंक्शन अपनी चलती है, पूरी फंक्शन इसी से चलती है, तो आपने देख लिया। और इसमें आपको 90 नंबर का ऑयल पड़ता है, इसको बोलते हैं ड्रम, एक्सल, डिप्रेशन, जो भी आप बोल लो। इसमें आपका पड़ेगा 19 लीटर ऑयल। देखिए ये आपका बूझ है, एलएनजी लगा के खोलेंगे। और ये जो आपका लेवल दिखा रहा है, देखिए ये लेवल लिखा है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगा, इसी के बराबर ऑयल आपका डलेगा दोनों साइड से। एक साइड से डालेंगे आधा, एक साइड से डालेंगे आधा। और ये आपका देखिए नीचे बूझ दिख रहा है, नीचे वाला मैं मार्क बता दूंगा, वहाँ से आपका ऑयल निकलेगा पूरा पूरा। और दोनों साइड का टायर का ऑयल निकालने के लिए, और जब आपके एलएनजी बताया हो, ये एलएनजी देखिए, ये एलएनजी से निकलेगा, ये नीचे करके यहाँ लाके खोल देंगे और एक साइड से उठा देंगे तो ये इस साइड का ऑयल निकल जाएगा, दूसरी साइड का निकाल देंगे तो दूसरी साइड का ऑयल निकल जाएगा। और आपका जो लास्ट बचा है वो है देखिए आपका डीजल का, तो पता ही है बगैर डीजल की गाड़ी चलती नहीं है। तो डीजल देखिए आपका 120 लीटर का टंकी है, 125-28 आ जाता है। और ये आपका है कूलेंट, ये भी डालेंगे तो गाड़ी के लिए सेफ्टी है। तो इसमें 4-5 लीटर कूलेंट रहेगा, बाकी पानी मिला मिक्स करके डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, गाड़ी हीट नहीं होती है। चलिए फटाफट इसको बंद कर लेते हैं जाली वाली, हम केबिन में जाके कुछ टिप्स भी आपको दूंगा मैं, टिप्स को फॉलो कीजिए तो गाड़ी आपका एवरेज में रहेगा। था गाड़ी कैसे एवरेज में लाएं, तो गाड़ी देखिए आपका जो डीजल ज़्यादा खा रही है, तो अगर पंप का ज़्यादा फॉल्ट होगा तो डीजल तो ऐसे ज़्यादा उठाएगी ही,
अगर और एवरेज में लाना है तो उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, जैसे आधे लीटर पौने एक लीटर टंकी फुल करके। अगर 30 लीटर 35 लीटर डाल रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम डाल दीजिए, 300 ग्राम डाल दीजिए, आपका गाड़ी एवरेज में आ जाएगा। और बाकी जो फिल्टर है, डीजल फिल्टर, आपका ऑयल, ट्रांसमिशन तो बहुत लेट से चेंज होता है, लेकिन जो आपका इंजन ऑयल है वो अभी नया मॉडल में 500 घंटे के ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी गाड़ी के लिए प्रॉब्लम है। और आप कूलेंट चेक करते रहें तो कूलेंट चेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। कूलेंट आपका देखिए, जब थोड़ा कलर बदलता है तब भी चेंज कर दीजिए। हाइड्रोलिक ऑयल चेक करते रहिए, देखिए जब जब थोड़ा गाढ़ा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा चेक चेक जमना चालू हो जाएगा। फिल्टर खोल के चेक कीजिए, फिल्टर में बहुत ज़्यादा एमरी आ जाता है तो उसको चेंज कर दीजिए, तो उससे आपका पंप भी सेफ रहेगा और बढ़िया से चलेगा, अभी ताकत भी अच्छा करेगा। लेकिन जब आप ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो आपका गाड़ी समझ लीजिए बेकार हो जाएगा, मेंटेनेंस मांगना स्टार्ट कर देगी। तो इतनी बातों का ख्याल रखिए, बाकी और टिप्स मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो बस आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू, धन्यवाद।